खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव संपन्न हो गया है और आजादी के बाद से ही जिस सीट पर भद्र परिवार का कब्जा था, अब उस सीट पर पार्वती सरोज ने कब्जा जमा लिया है। कल हुए उपचुनाव में 81 में से 42 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पार्वती सरोज के पक्ष में मतदान किया, जबकि एसपी प्रत्याशी उषा सिंह को महज मोनू सिंह को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें ये सीट छोड़नी पड़ी थी। पीसी वाले को बधाई है, सब हमार मतलब मदद किए, सब जिताए हमका, उनके बहुत बहुत धन्यवाद यह है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पार्वती देवी को 42 वोट मिला है और समाजवादी पार्टी के श्रीमती उषा सिंह को 39 वोट मिला है। इस तरह से वो 2 मत ज्यादा पाकर के। और लखनऊ से खबर लेते हैं, जहां पर डिलीवरी बॉय से बस सलूकी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल डिलीवरी बॉय मोहम्मद असलम ने कुछ लोगों पर नाम पूछकर गाली गलौज और मुंह पर शराब फेंकने का आरोप लगाया। खाना पहुंचाने गया था असलम। बताया जा रहा है कि असलम बता रहा था कि घर में मौजूद लोगों ने उसका नाम पूछा, धर्म की पहचान उजागर होने पर गालियां देने लगे। इतना ही नहीं, विरोध करने पर बंधक बनाकर उसकी पिटाई कर दी, कमरे में बंद कर दिया, उठक बैठक लगवाई। ये पूरा मामला गोमती नगर पुलिस का बताया जा रहा है। आप पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया है। एक आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर थाने में एक डिलीवरी बॉय ने FIR दर्ज कराई है। डिलीवरी बॉय असलम ने ये FIR दर्ज कराई है कि वो 21 अगस्त की देर शाम एक घर में कुछ फूड आइटम डिलीवर करने गए थे। उस कमरे में मौजूद लोगों ने उनका नाम पूछा, जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया उनके नाम और धर्म की पहचान उजागर हुई, लिहाजा उनके ऊपर शराब फेंक दी गई, उनके साथ मारपीट की गई और उनको कमरे में बंधक बना रखा गया, जिसके बाद गोमती नगर पुलिस ने असलम की तहरीर पर FIR दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, थोड़ी देर में पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग करेंगे। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ये बैठक करने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। गाजियाबाद पहुंच गए हैं सीएम योगी, पदाधिकारियों के साथ थोड़ी देर में वो मीटिंग करेंगे, क्योंकि उपचुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कमर कसती हुई रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी को लेकर, उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में महत्वपूर्ण मीटिंग करेंगे पदाधिकारियों के साथ थोड़ी देर में। और हरिद्वार से पायलट बाबा के उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है। शिष्या केको आइकावा उर्फ योग मा आश्रम अखाड़े ने भी इस पर सहमति जता दी है, तो अब पायलट बाबा के उत्तराधिकारी की घोषणा कर। आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत में शारदा नदी से कटान हो रहा है। चंदिया हजारा और राहुल नगर के बीच 1 एकड़ जमीन पर खड़ी गन्ने की फसल नदी में समा गई। बाढ़ और कटान के प्रकोप से बचने के लिए हजारों लोगों ने नदी के किनारे जमा होकर गंगा मां की पूजा की है और बाढ़ के कहर से निजात दिलाने की कामना की है। लोगों ने नदी के किनारे माँ गंगा की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की है।